अगर आपको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देना हो तो मतीरा आप इन चारों में से किसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देंगी? ऑप्शन नंबर वन माहिरा खान, ऑप्शन नंबर टू मेविश हयात, ऑप्शन नंबर थ्री सबा कमर एंड ऑप्शन नंबर फोर निधा चौधरी। अब तुम पूछोगी हु इज निधा चौधरी? Yes, कौन है ये? ये स्टेज की एक्टर है बड़ी। ओके वो जो डी देखो नाम नहीं पता डी आई थिंक मेविश है यार। ओके मतीरा क्या है? मतीरा एक अदा है ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर टू मतीरा एक दिल रुबा है, ऑप्शन नंबर थ्री मतीरा एक नशा है, ऑप्शन नंबर फोर मतीरा एक गम का दरिया है। क्या है मतीरा? मतीरा किसी की दिल रुबा है, फिर उसका नशा है, फिर उसके अंदर गम का दरिया है और उससे निकली उसकी अदा है। कौन सा गाना देखकर मतीरा आप मचल जाती हैं या आपको हिलजुल सी हो जाती है, थ्रिल आ जाता है अंदर? ऑप्शन नंबर वन मुन्नी बदनाम हुई। आए हाय क्यों? ओके आगे बढ़ो ना। मुन्नी ने दो चार हरकतें ऐसी की थी, लीक वाली हरकतें की थी। मुझे कहते हैं बिल्ली, ओके जलेबी बाय, या फिर वे गुजरा वे गुजरा वे। आई विल गो विथ वे गुजरा वे। हैकर भाई ये बताइए कि अगली किस्त कब आप रिलीज कर रहे हैं? वो अब कभी नहीं आएगी। क्यों? ओए जेना जेना दी ऑडियो सी ओड़न को फर्क ही नहीं पैंदा, ओ होर चौड़े होके फिर देन। इथे तो वजीर खजाना ने कह दता सी क्या कि असी जेबां दे विच इस्तीफे पाई फिरन दे सन, लेकिन बिजली ते तेल महंगा करन दी वजह तो लोग सड़कां ते नहीं निकले, असी की करदे? बिल्कुल सही बात है। बगैर घोड़े तो डाकू। मैं तैनू ये दसना चाहना मेरे ना भी यही होया सी, शुरू शुरू चोरिया साहब मैनू ऐसी ऐसी आफर हुई कि मैं तुहानू दस नहीं सकदा, मैं चौड़ा हो गया। मैं क्या कोई ऐसा टेलर कड़ा जितना ऑफर बदे पर बेड़े ही गर्क हो गए। क्यों उल्ट हो गया? जे देंदे ने कि मेरी कुक लीक कड़ो। सही कह रहे हो। वो बदना होंगे क्या बदनाम ना होंगे? यकीन करो जेदी जेदी ऑडियो सी अगले ठंडे होके बह गए। मैं तो हूं अपना सारा डेटा ओ एलेक्स से लाता कि कोई तो खरीदार आएगा। अच्छा सर आपको क्या लगता है ये जो जितने भी टॉक शोज हो रहे हैं क्या ये एक ड्रामा है? तीन कैरेक्टर बिठा के और उनके डायलॉग्स हमें अजबर याद हो गए हैं, पहले हम 7 बजे सुने फिर वही चीज़ हम 8 बजे सुने फिर वही चीज़ हम 11 बजे सुने। सांप और न्योले की लड़ाई आप करवा लें पाकिस्तान के अंदर, लाखों लोग जमा हो जाएंगे। ये हर शो में सांप और न्योले की लड़ाई हो रही है। मतीरा शोबिस के अलावा कुछ और बिजनेस करने का आपका इरादा? कोई रेस्टोरेंट खोलने का, कोई ब्यूटी पार्लर या कोई अपना ब्रांड कुछ? नहीं मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करती एंड एट द सेम टाइम जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं बोलती नहीं हूँ। अच्छा कोई ऐसा खुशनसीब है दुनिया में जिसको आपने अपने हाथों से बनाई हुई रोटी खिलाई हो? मेरे बच्चे वो है और वो जो आप बनाती है वो गोल होती है या वो तपीला कर लेता है, वो जो होता है ना गोल करना, वो मेरी अम्मी ने अब छोड़ भी दिया है। कभी स्क्वायर जा रही होती है अम्मी बस बोलती है वो जो एक साइड से आपकी रोटी मोटी और पतली नहीं होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अच्छा सर क्या ये बात तय है कि पाकिस्तान में हुक्मरानी जो है वो भुट्टो सी करेंगे और शरीफ सी करेंगे? नहीं मेरा ख्याल है एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जब लोग उकता जाते हैं। ओके देखें आवाम की मिसाल बनाए तौर पर एक ऐसे जानवर की है जिसके ऊपर बोझ लादा जाता है, उसके ऊपर एक लकड़ी रखो दो रखो तीन रखो हजार रखो लेकिन 1001 रहता तो अचानक उछल जाता है। वो होता है कुव्वते बर्दाश्त की हद, उसको कहते हैं टिपिंग पॉइंट। पब्लिक के अंदर एक टिपिंग पॉइंट आ चुका हुआ है। अब मुझे अंदाजा है कि अब ये टिपिंग पॉइंट पता क्या होता है कि जब उनका लीडर को कंप्रोमाइज करने लगता है उसको मार देते हैं। रॉबेस्पियर था फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, उसने कहा बादशाह के खिलाफ तुम उठे हो, तो उसने बादशाह से नेगोशिएट करना शुरू कर दिया तो लोगों ने उसको मार दिया। ओके उसने कहा हम तुम्हें इंकलाब लाने के लिए तब्दीली लाने के लिए तुमने खड़ा किया। हाय 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 है कुछ सखी जो बाबे पे भी कॉलम लिखे जी। बाबे पे क्यों कॉलम लिखे? बाबे के पास क्या महंगाई खत्म करने का कोई फॉर्मूला है? एब्सोल्युटली यस। क्या
क्या फॉर्मूला? क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट कह के मैं फसना नहीं चाहता। अच्छा जी, क्या फॉर्मूला है बाबे के पास बताओ। सोनिया जे तुसी को फार्मूला लेना नहीं है तो पहला आप फार्मूले पे अमल करो ना, आबादी कट करो। अच्छा, इतनी बातें कह रहे हो, ये बताओ कि बाबे के अपने कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 7। फसल पक रही है। तो आबादी काट करने का जो टीवी पे एड चलता है, हाँ? वो तुम्हारे टीवी पे नहीं आता? ओ गल्ला ही ने, मेनू भी कर लेने दे। बाबे चलो इतने बैठे यार, पति कर देने ते मन नहीं जोगी है यार। यार बाबे यार, ये काम तो करो यार। ओ पाकिस्तानी नहीं जेड़ा इस गलती इंज ना करे यार, मेरे भाई। तेरा तो वजीर आजम ही है, मेहरबानी में मंगने वाला नहीं। देख फिर जरा, देखती आंख और सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत फकीर आपको अरबपति करने जा रहे हैं। सोनिया अरबों डॉलर आ जाएंगे तेरे के ढेर लग जाएंगे। अच्छा, अरबपति भी डॉलर च? ओ यस। डाकू साहब अपना घोड़ा तैयार करो, अरबा डॉलर जिन्होंने ने घोड़े च रखे न संगे। जिहड़े पहला आए ने उन्हां दा कोई पता लगा? तुम आज बहुत लकी हो। क्यों? तुम उस प्रोग्राम में आए हो जिसमें देखो कौन सी हस्ती बैठी है। सुभान, मेरे तो उस्ताद है, मोहतरम से उस्ताद मानने हैं, यकीन कर। कैसे हैं? वाह वाह, कोई मैं कहना कोई इल्मो दानिश दी, कोई अकलो दानिश दी गल सानू भी समझा दियो, साडी भी कोई अकल च पै जावे। अच्छा सर, जहां पे शाम पे देखे मार दे लिखा जाता है वैसे। सांप तो खैर बड़ा खूबसूरत जानवर है। ऐ गल है सर। हां जी, हिप्नोसिस जो इंसान ने सांप से सीखा। ओ अच्छा, सांप की आंख में देखें तो आप हिप्नोटाइज कर ले। ओए हाय, जरा मेरी, यानी कि ये सारे हाकिमों ने सांप की आंख लगाई हुई है, जिधर देखते हैं हिप्नोटाइज कर लेते हैं। जिधर मैंने नहीं करके उसका मीरा जी का, मैं कहा मीरा जी का शेर है कि लोभ में अमृत है लेकिन क्या कहें, खूबसूरत सांप का फर्जंद। क्या कहने, क्या कहने। बतीरा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? आई एम गुड। आज आप ऑरेंज ऑरेंज हो? यस, हल्के से पिंकिश भी है। ऐसा खूबसूरत कलर है और ये साफ दा लगता दही च पर्चियां पाई है। अच्छा सर, मैं माफी चाहना हूँ। कैसे आप? आपका ये हाथ अभी भी हिल रहा है? ये हिल नहीं रहना, क्यों? इन रोको किसी तरीके। आपके पास तो मतीरा होगा इसका, ये इसका इलाज क्या आपके पास है? मेरे पास नहीं है, आपने खुद लिए कर ले इलाज। वो तो एक साल हो गई कर रही है इलाज, का कोई फायदा नहीं हो रहा। हाँ जी। अच्छा बात सुनो, ज्यादा फ्री मत हो हमारे मेहमानों से, इधर आओ और जो तुमने सांप निकालना निकालो और जाओ यहाँ पे। अच्छा जी, चलो। सांप निकालते? हाँ जी, निकालो निकालो सांप, हम भी देखते। जिन्होंने डर नहीं लगता। है कि नहीं? जो कि साधु संत फकीर हैं, बाबे पहुंचे, बाबे हैं, बाबे ने अपने जादू टोने के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हाल निकाले हैं। सोने हैं, चल भाई सपा पुत्रा, जरा निकलने के लिए रेडी हो जा। वाह 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 वाह, बड़े बड़े आला लोग आके बैठे हैं, उस्ताद लोग आके बैठे ने पुत्र, ओए उधर मतीरा आके बैठी है पुत्र, मतीरा। हां जी, देख फिर जरा, देखती आंखों सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत फकीर चांप निकालने जा रहा है पुत्र, ओए ये चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक छू छड़ा का दागड़ 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 धिनता करिए, बोतल करिए, बोतल सुचिया, बोतल आकुल सुन्नी मिनु पूछ पास दिन तुम बस सुना राल मिनु कपड़ा हैं चल जा पुन्ना तुरक तुरक दिन जंडे चाय तुरक तुरक दिन जंडे चाय दादर किड़ दादर किड़ दादर किड़ दादर दिन ता आ सब निकले नहीं ऐला फिर अंगूठे दी पावर निकली। ये क्यों भाई? आए ए अंगूठा ना जेड़ा ए जिथे भी चल जावे काम कर जांदा अपना। अच्छा, और यस ताली का मारनी थी ओने पटारी च कुछ भी नहीं सी लिखया, मैं तो कोला रिमोट पा। तेरा मुल्क ऐसा जिड्डा मर्जी वड्डा ताकतवर होवे, रिमोट किसे एक दे हाथ च हुंदा। ये केड़ा सही बात, इहने ते ताली बणदी सी, एवें जुमला आ गया। एक रिमोट ने कई टीवी चल रहे होंदे ने, कई टीवी चल रहे होंदे ने, पूछो उस्तादां कोलों। आज ध्यान से शेर सुनाना। अच्छा जी, बड़े लोग बैठे हुए, जाने क्या सोच के हर जुल्म रवा रखा है। जाने क्या सोच के हर जुल्म रवा रखा है, क्या मैं पत्थर हूं जो कदमों में सदा रखा है।
मायने रखा है फकत अपनी मोहब्बत का भरम, वरना हर जाए तेरे प्यार में क्या आए। सर टाइम बहुत जल्दी खत्म हो गया, थैंक यू सो मच। आज आपके आने से हमारे तंजो मजाक का जो मायार है वो यकीनन बुलंद हुआ है। मतीरा आप सेकंड टाइम आई, फर्स्ट टाइम भी बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। बस जब भी आप लाहौर आए तो आती रहा करें और हमें अच्छा लगता है जब भी आप आएंगी। थैंक यू। तो खवातीन आज़ाद, ये था आज का प्रोग्राम तंजो मजाक। सर्दी की आमद आमद है और जिन इलाकों में सैलाब आया है और जिनके घर जो हैं वो तबाह हो गए हैं सर्दी से, वो सब बहुत परेशान हैं, तो उन लोगों की मदद कीजिए और कोशिश ये कीजिए कि किसी इदारे के साथ मिलके आप उनकी मदद करें। देखते रहिए प्रोग्राम तंजो मजाक पाकिस्तान।